हाँ तो भाइयों, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मंथ 9 के रॉयल पास के बारे में, और उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं मंथ 9 के 50 RP पे जो मिथिक आउटफिट होने वाला है, जो कि काफ़ी खतरनाक किस्म का होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और रॉयल एडवेंचर में जो मिथिक आउटफिट आने वाला है, जो कि काफ़ी अमेजिंग किस्म का होने वाला है भाई साहब, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तोड़ दो, फोड़ दो लाइक का बटन मेरी टाइगर्स की पब्लिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करो, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो गाइस। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हमारे मंथ 9 के 50 RP के मिथिक आउटफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मंथ 9 का 50 RP का मिथिक आउटफिट तो काफ़ी खतरनाक किस्म का लग रहा है और काफ़ी ओपी लग रहा है यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद आया यार। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मंथ 9 का 50 RP का मिथिक आउटफिट कैसा लगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी खतरनाक किस्म का होने वाला है ये हमारा आउटफिट, किसी एक्सूट से कम नहीं होने वाला भाई साहब। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारी RP1 पे जो आउटफिट होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होने वाली है, जो कि काफ़ी सही है यार। और इसके बाद हम बात करते हैं RP1 पे जो गन स्किन होने वाली है, वो होने वाली है BP बाइजन की। तो अभी तक इसके टेक्सचर रिवील नहीं हुए, तो जैसे ही टेक्सचर रिवील हो जाएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इसके साथ साथ हमें मंथ 9 के रॉयल पास में प्लेन की स्किन देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक इसके टेक्सचर रिवील नहीं हुए, तो जैसे ही टेक्सचर रिवील हो जाते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमें एक और पैराशूट की स्किन देखने को मिलने वाली है मंथ 9 के रॉयल पास में, तो अभी तक इसके भी टेक्सचर रिवील नहीं हुए, और यहाँ पे हमें एक ग्रेनेड की स्किन भी देखने को मिलने वाली है। तो जैसे इन सब के टेक्सचर रिवील हो जाएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आपको करना क्या है, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ वीडियो सबसे पहले आपको मिले। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमें 40 RP में मिलने वाली है कार 98 की स्किन, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमारी कार 98 की स्किन होने वाली है, जो कि काफ़ी ओपी लग रही है यार। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कार 98 की स्किन कैसी लगी, जो कि मंथ 9 के रॉयल पास में आ रही है यार। और यहाँ पे आपको एक हेलमेट की स्किन देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ साथ आपको एक ऑर्नामेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुए। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मंथ 9 के रॉयल एडवेंचर में जो मिथिक आउटफिट होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक किस्म का हमारा ये मिथिक आउटफिट होने वाला है यार। मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी गजब किस्म का होने वाला है, काफ़ी खतरनाक किस्म का हमारा ये आउटफिट होने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिथिक आउटफिट कैसा लगा। तो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी रॉयल एडवेंचर में जो गन स्किन होने वाली है, वो होने वाली है हमारी M249 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक इसके टेक्सचर रिवील नहीं हुए, तो जैसे ही हो जाएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारी मंथ 9 की RP30 में जो मोड देखने को मिलने वाला है, उसकी पिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी RP ट्रेजर क्रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक मिथिक आउटफिट देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है डेडली सिकल सेट, और इसका हेड गियर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ओपी लग रहा है यार। इसका नाम भी है डेडली सिकल हेड गियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक किस्म के हमारे ये दोनों होने वाले हैं, इसका हेड गियर और मिथिक आउटफिट काफ़ी ओपी लग रहा है। और यहाँ पे हमें एक USZ की स्किन देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी गजब किस्म की होने वाली है, काफ़ी ओपी होने वाली है यार। तो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिथिक आउटफिट और USZ की स्किन कैसे लगी, जो कि हमारी RP ट्रेजर क्रेट में आने वाली है। देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्नामेंट के बारे में। तो ट्रेजर क्रेट में हमें ऑर्नामेंट भी देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम होने वाला है विरलिंग स्टार ऑर्नामेंट। तो ये काफ़ी ओपी लग रहा है यार। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक ग्रेनेड की स्किन भी देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी स्किन काफ़ी ओपी लग रही है यार, ग्रेनेड की स्किन। देन इसके बाद हम बात करते हैं सीजन 7 की आउटफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सीजन 7 की एक आउटफिट देखने को मिलने वाली है, और उसका जो मास्क है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिलने वाला है। उसके साथ साथ हमें नीचे एक और आउटफिट देखने को मिलने वाली है, और उसका हेड गियर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें एक पैराशूट की स्किन भी देखने को मिलने वाली है। तो नीचे जो चीज़ें हैं वो हैं 30-30 चीज़ें, सिल्वर फ्रैगमेंट वगैरह वगैरह। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मंथ 9 की और रिवार्ड देखनी है, तो मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है, यहाँ पे आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी रिवार्ड वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।